सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी मीडियम में विषय हिंदी पाठ है 2 अध्याय 2 जेब खर्च। ठीक है, इसके हम प्रश्न उत्तर कराएंगे। देखिए, पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो नन्हे बेई की माँ ने काम पर जाना कहाँ आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा एक का वे कारखाने, कारखाने में। ठीक है, सही कर लेना। खाने है बेटा, मेरी की माँ काम पर क्यों नहीं जा सकती थी? चोट लगने के कारण। इसका उत्तर सही है चोट लगने के कारण। ठीक, इस पे सही का चिन्ह लगा लेना। इसके बाद गा में लिखी गया है, मेरी की माँ ने साहूकार से कितने रुपए उधार लिए थे? मेरी की माँ ने 25 रुपए उधार लिए थे, 25 रुपए। ठीक है, इस पे सही का चिन्ह लगा देना। इसके बाद देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान यानी खाली जगह, 2 का इसमें है माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है? तो इसमें आप बच्चों भरोगे कठिनाई, ठीक, और मेहनत। 2 शब्द आपको भरने हैं, मेहनत। इसके बाद खा, खा में है इस तरह ना, पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत गए। तो आप भरोगे पलक झपकते। ठीक, गा में है चोट बहुत गहरी थी, गहरी भर लोगे। फिर है घा, मैंने पहले ही इतने दिन इंतजार कर लिया, इसमें भरोगे इंतजार। ठीक, इसके बाद अंगा है बच्चों, इसे माँ ने इन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दिया, साहूकार। ठीक, तो ये दूसरे के रिक्त स्थान है, इनको आपको भरने हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3, किसने कहा? का में 3 का, यह तो सचमुच ही एक सुरक्षित स्थान है। किसने कहा था? नन्हे मेई ने कहा था, नन्हे न मेई। फिर खा में है, श्रीमान जी मुझे क्षमा कर दीजिए, नन्हे मेई की माँ ने कहा था ना? नन्हे मेई की माँ ने कहा था। फिर गाने क्या है कर, मेरे पास पैसे कहां से आए? तेरे पास पैसे कहां से आए, माँ ने पूछा था उससे। ठीक, घा, आज तुमने मेरी मुश्किल में सहायता की है, किसने कहा? माँ ने कहा। ठीक, तो इस प्रकार आप भर लेंगे डाले से। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 का देखिए, नन्हे मेई ने क्या सोचकर पैसे बचाए थे? उत्तर लिखिए, नन्हे मेई ने यह सोचकर पैसे बचाए थे कि माँ बहुत कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है। माँ बहुत कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या देखिए, खा और गा आप स्वयं करेंगे। ठीक है बेटा, आप निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। व्याकरण कौशल में देखते हैं, व्याकरण कौशल है बेटा आपका 1। 1 में श्रीमान, श्रीमान का लिखेंगे श्रीमती, श्री
मती, ठीक, आलमी का हो जाएगा औरत, ठीक, बलवान का हो जाएगा बलवती, ठीक, विदुर का विदुषी, इसके बाद साहूकार का साहूकारिण, ठीक, इसके बाद खरीद शिष्य का हो जाएगा शिष्या, ठीक, चुहिया का हो जाएगा चूहा, माँ का बाप, बेटा का बेटी, ठीक, बुद्धिमान का बुद्धिमती, ठीक है बच्चों, ये आप उसमें करेंगे किताब में ही। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, दूसरा शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, इसमें पहला जो है आरंभ है, आरंभ का क्या होगा, आरंभ का अंत, दूसरा है कठिन, कठिन का हो जाएगा सरल, बीमार का स्वस्थ, उत्तर का प्रश्न, ठीक, इसके बाद देखिए खरीदना का हो जाएगा बेचना, सुरक्षित का असुरक्षित, ठीक है, इसके बाद देखिए उधार का नकद, ठीक, इसके बाद देखिए बेटा सुबह का हो जाएगा शायम, है ना, तो इस प्रकार से जो है ये आपके हो गए। इसमें प्रश्न संख्या 3 देखिए, एक मिनट बेटा, बहुत आवाज आ रही, देखिए प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नलिखित वाक्यों को उचित कारक चिन्हों द्वारा पूर्ण कीजिए, पहला है तीन काले भरना है, चोर सिपाही को देखकर भाग गया, तो को कारक भरेंगे, खाने तारे आकाश में चमकते हैं, ठीक, गावे मैंने सेठ से पुस्तकें मंगवाई से भरना है, घाने माली ने पौधों को पानी डाला, ठीक, दो कारक चिन्ह भर लेना। इसके बाद देखिए ये कारक चिन्ह है चौथा नंबर, पांचवा, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, आप स्वयं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये शब्द आने चाहिए बस बीच में। छठा देखिए निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, अचरज, नंबर 6 देखिए, इस नंबर समानार्थी अचरज का हो जाएगा आश्चर्य, ठीक, आश्रु का आंसू कर सकते हो, गृह का सदन, वस्त्र का अंबर, चीज कुछ भी हो सकता है, पट, ठीक, इसके बाद द्वार का कपाट, सहा, ठीक है, इस प्रकार से आप ये सारे कर लेना अपने आप, ठीक बच्चों, आप अपनी फेयर कॉपी में आप प्रश्न उत्तर करेंगे, पहले शब्दार्थ करेंगे, फिर उसके बाद इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, बाकी जितना भी है आप अपनी बुक में ही फिलअप करेंगे, भरेंगे, ठीक है, धन्यवाद बच्चों।